गुड मॉर्निंग स्टूडेंट स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8th के क्वेश्चन नंबर 8। मैंने इसके दो तीन क्वेश्चन पिछले दिन होमवर्क में दिए थे, लेकिन शायद कोई भी बच्चा करके नहीं चेक कराया है। स्टूडेंट आज के वीडियो में मैं आपको इसी का क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 तीनों क्वेश्चन एक साथ पढ़ाऊंगा। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। इसे बोलता है दिए गए इक्वेशन को सॉल्व करिए और क्या करिए, रिजल्ट भी चेक करिए। तो देखते हैं, पहले नंबर पे देखेंगे है 2x/3+1 7x/15+3 है। इसमें क्या करेंगे, पहले हम सॉल्व 8 एक्सरसाइज 2.3 का है 2x/3+1=7x/15+3। इसमें हम क्या करते हैं, वेरिएबल को वेरिएबल के साइड और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साइड ट्रांसपोजिंग कर देते हैं। जैसे प्लस वन है ना, इसका ट्रांसपोजिंग इधर हो जाएगा, तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। 7x/15 प्लस में है तो ये LHS की ओर जाएगा, तो ये भी माइनस में हो जाएगा। 1RHS की ओर जाएगा तो ये भी माइनस में। तो पहले हम किसका ट्रांसपोजिंग कर देते हैं, लिख देते हैं ट्रांसपोजिंग 1 to RHS। 1 आपको दिखाई दे रहा है, ये 2x/3=7x/15+3 प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में। 2x/3=7x/15+3 में 1 माइनस करेंगे तो 2। अब हम किसका ट्रांसपोजिंग कर देते हैं, LHS की ओर 7x/15 का। क्या लिख देंगे, ट्रांसपोजिंग 7x/15 to LHS 2=2x/3 ये प्लस में है, साइड चेंज करेगा तो माइनस में 7x/15=2। अब आप देख रहे हैं 3 and 15 के एलसीएम क्या होगा, तो 3 and 15 के एलसीएम 15 ही होगा। यहाँ पे 3, यहाँ पे 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 3 5 जा 15। तो क्या है एलसीएम, 15 ही आएगा। इक्वल टू यहाँ पे 2 है तो 2 लिख देंगे। फिर इसमें देखो कि 3 and 15 है, तो यहाँ पे क्या है, पहले 2x है तो 2x से आप राइट कर देंगे। अब यहाँ भी क्या है, 3 है, यहाँ भी क्या है, 15। 15 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, क्वेश्चन आपको मिलेगा 5। उस 5 का हम क्या कर देंगे, 2x से मल्टीप्लाई, 5x माइनस 7x। अब 15 बन जाए क्या होता है, 15, यहाँ पर 15 का 15 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही मिलेगा। 2 5 जा 10x 7x माइनस अपान 15=2। 10x में 7x माइनस हुआ तो 3x/15=2। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, तो x/5=2। इसमें देखेंगे 5 क्या है, डिवाइड में है, ट्रांसपोजिंग किस किधर हो गया आएगा, ट्रांसपोजिंग 5 to RHS x=2 क्या हो जाएगा, 5 into 2 x=2 क्या है, 5 2 जा 10। अब इसमें हमको क्या चेक करना है, चेक द रिजल्ट, रिजल्ट भी इसका चेक करना है। क्या करना है, रिजल्ट चेक करने के लिए हम लिखेंगे इधर चेक द रिजल्ट। क्या लिखेंगे, चेक द रिजल्ट। तो क्या लेंगे, पहले LHS ले लेंगे। LHS में क्या था, 2x/3+1। अब x की वैल्यू आपको क्या मिली, 10/3+1। तो 2 10 जा 20, 20/3+1
और यहाँ कुछ भी नहीं है, 3 1 कैल्सियम 3 हुआ, 20 प्लस 3 बन जा 3, तो क्या मिला मुझे LHS की वैल्यू 23/3। RHS पे देखेंगे, RHS में क्या था, मुझे मिला था 7x/15 प्लस 3, एक्स की वैल्यू कितनी है 10/15 प्लस 3, इसको आप जब कट करेंगे तो 5 2 10 और 5 3 15 कितना मिला 7 2 14 अपान 3 प्लस 3। अब यहाँ 3 और 1 कैल्सियम 3 ही होगा, तो आपको क्या मिलेगा LHS की वैल्यू इक्वल टू 14/3 प्लस 3 इक्वल 3 बन जा 3, 14 3 3 जा 9, 14 9 23/3, मतलब LHS इक्वल टू RHS हमारा आ गया है। तो ये हमारा आंसर।